दुर्दिच्छन। स्टेज दे उत्ते सुशोभित पंजाब दे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर, वैसे मैं भी यंगेस्ट ही हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर नीत हेयर जी, मेरी टीम दे सारे मैंबर साहबान, एमएलए साहबान, ऑफिसर साहबान, मेरे सामने बैठे वक्-वक् स्कूलों के प्रिंसीपल साहबान, वाइस प्रिंसीपल साहबान, हैडमास्टर साहबान, डीओ साहबान, ते सिक्ख्या दे खेत्र नाल जुड़े हुए ऑफिसर साहबान, सारा मीडिया, सब तो पहला मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। तुसीं निक्के जिहे सद्दे ते इत्थे इकट्ठे होए, तुहाडा चलिया होया इक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला मेरे वल्लों सारिआं नूं सति श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। इत्थे कोई राजनीतिक भाषण नहीं देण आए, इत्थे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करन आए, अज इत्थे एक नवेकली शुरुआत करन आए हाँ। एजुकेशन अज की डेट के विच, अज दे जमाने च सब तो ज़्यादा कीमती चीज़ है। प्लांट तुहाडे चोरी हो सकते हैं, कोई कब्जा कर सकता है, हीरे मोती तुहाडे चोरी हो सकते हैं, रेट घट बढ़ सकता है, पर जिहड़ी एजुकेशन है तुहाडे कोले, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिहनूं कोई चोरी नहीं कर सकता, तुहाडे नाल ही जाती है हर वक्त, क्योंकि वो तुहाडे दिमाग च हुंदी है। सो अज दा जमाना इस तरह का है कि पानी ने जिन्नियां मर्जी नहरां विच दी आवे, नदियां विच दी आवे, नालियां विच दी आवे, लंघना इक्को पुल थल्लों है, क्योंकि कीनिया दे बच्चे भी उत्थी टैस्ट दिंदे ने, अमेरिका वाले भी उत्थी टैस्ट दिंदे ने, साउथ वाले बेंगलौर हैदराबाद वाले भी उही टैस्ट दिंदे ने, ते साडे वालियां नूं भी उही टैस्ट देना पैंदा। सो इहदा मतलब यह हो गया कि सानू उस लैवल की पढ़ाई जिहड़ी है वह लैके आनी पवेगी। मैनू तुहाडे टैलेंट ते कोई शक नहीं, तुसीं बहुत काबिल प्रिंसीपल्स हो, तुसीं बहुत काबिल अपने स्कूलों के हैड हो, तुहाडे कोल स्टाफ बहुत काबिल है, काबिलियत च कोई कमी नहीं, पर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, माहौल नहीं तुहानू मिलता। सर ने वो तुहानू रिपोर्ट मंगन लग जाते, रिजल्ट क्यों माड़ा है, माहौल नहीं मिले। हैड मास्टर साहब, प्रिंसीपल साहब अपने अफसरां नू फाइलां पहुँचाउण च सारा दिन लंघ जांदा है, कदों स्कूल देखणगे, वो स्कूल दी हालत की है, सफाई का की हाल है, कोई दिक्कत हो कदों देखण दा मौके नहीं मिलदा उन्हां नूं, इन्ने ज़्यादा काम हुंदे। सो तुहाडी काबिलियत ते कोई शक नहीं, पर विश्वास उठ गया लोगों का सिस्टम तो। असी सरकारी बस च बहना नहीं चाहते कि पता यार कित्थे खड़ जे, इमेज बन गई, परसैप्शन बन गई। असी सरकारी हस्पताल च इलाज नहीं करवाने चाहते कि पता एम आर आई या मशीन च मैनू मेरा सिर पाउण दे विचों कबूतरां दे आलने लभ जाण। असी सरकारी कालजां च नहीं पढ़ना चाहते। हाँ, सरकारी नौकरी जरूर ले लेंगे, उहदे वास्ते धरने देने पैण, करना को मर्जी कर लै, सरकारी नौकरी दे दो। मैं सोचा, मैं किसी सीडी च मैं स्टायर किया सी कि डिवेलप कंट्री जिहड़े ने अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड वर्गे, जदों इत्थे किसी नूं सरकारी नौकरी मिलती है तो उन्हूं बधाइयां दित्तियां जांदियां ने, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, मिस्टर पॉल, यू हैव गॉट द जॉब, बधाइयां, तैनूं काम मिल गया। नौकरियां सरकारी अपने भी मिलदियां ने, बधाइयां अपने भी दित्तियां जांदियां ने, पर उल्टे पास्यों नछत्तर सिंह बहुत बहुत बधाइयां, सरकारी नौकरी मिल गई, लै हुण सारी उम्र वेलां।
एम आई राइट? उधर बधाइया दी जाने इतने बधाइया मिलते लाने बिल। सो आपने वो यकीन जेड़ा है ना वो बहाल करना। दिल्ली दे विचों यकीन बहाल हो गया। दिल्ली दे विच इस वक्त वेटिंग एडमिशन की वेटिंग प्राइवेट स्कूलों की नहीं हैगी, सरकारी स्कूलों च वेटिंग चल रही है। चार लख बच्चा प्राइवेट चो हटा के सरकारी चलाता। बड़े बड़े अफसर ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने अपने बच्चे लाए ने उत्थे। कारण की यकीन बन गया। तुहानू भी असी बैचेस दे विच एक एक दिन का दो दो दिन का टूर करावांगे दिल्ली के स्कूलों का। तुहानू अपने आइडियाज़ जिहड़े तुसी देने ने ना उहदे वास्ते तुहानू ईजी हो जूगा कि तुसी की देखिया उत्थे। नैक्सट लैवल ऑफ एजुकेशन देखोगे तुसी, किवें बच्चों ने आप दियां लैबां बनाईयां होईयां ने, किवें बच्चे उत्थे आपदा देश भगती दियां क्लासां हैप्पीनैस दियां क्लासां लगदियां ने। असी हैरान रह गए। मैं मुख्यमंत्री साहब नाल सीगा, केजरीवाल साहब नाल, एजुकेशन मिनिस्टर भी नाल ही सीगे। हैप्पीनैस क्लास दे विच चले गए, उह कहिंदे जी बच्चा छोटा जिहा बच्चा उठिया कहिंदे कि तुसीं साडे नाल हैप्पीनैस क्लास ज्वाइन करना चाहुंदे हो? असीं कहा हाँ जी। बैठ जाइए। बह गए जी। अखां बंद कर लो, हुण तुसीं दूरों आ रही आवाज़ां नूं सुणो, हुण तुसीं नेड़ों आ रही आवाज़ां नूं सुणो। हौली हौली अखां खोल सकदे हो। एक बच्चे ने पुछा हाँ भी तैं दूरों की सुणिया? वह कहिंदे भी जो साडे घर दे मूहरे बच्चे क्रिकेट खेडदे हुंदे ने उदों रौला पैंदा, मैनूं वह सुणदा सी। वह बच्ची सी छोटी जी। नेड़ों की सुनया? नेड़ों कहिंदी मेरे उपर पखा चलदा सीगा, वह सुणदा सी। अच्छा, तो सानू भी पुछ लिया, असी भी दसता भी। मैं कहा नेड़ों तो मैंने तुसी ही सुनते सी, जे साडे जिहड़ा छोटा जिहा बच्चा सी तेरी आवाज़ आउंदी सी नेड़ों तो। चलो हो गई क्लास खत्म। असी जाण लगे, केजरीवाल जी ते नाल मैं सीगा, वह बच्चा कहिंदा जे तुसी चाहो असी तुसी साडे नाल फोटो भी खिचा सकदे हो। मैं क्या कॉन्फिडेंस देख, दो मुख्यमंत्रियों नूं कही जांदा भी असीं तुहाडे नाल फोटो खिचा सकदे हां जे तुसीं चाहो तां। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता बच्चों च। अपने तां इत्थे क्लास च खड़े होण तों डरदे ने भी यार मैं नहीं बोलना, मैं नहीं, उन्हां कितें बुला ले कोई टीचर। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बच्चों च, परसेंटेज नालों कॉन्फिडेंस ज़्यादा काम करता है। मतलब मैं मेरे एक कोई फंक्शन, मैं एज एन आर्टिस्ट उदों सीगा ते किसी कॉलेज मैं फंक्शन करन गया, मैडम प्रिंसीपल सी उत्थे, वो कहिंदे भी इन्ना ज़्यादा नंबरां च हो गया कम, 98.9, 99.7, 99.8 तक चला गया। वो कहती मेरी ग्रैंड डॉटर जिहड़ी है, मेरी पोती, मैनू पुछती है कि दादी मां तेरे किन्ने नंबर आए सी मैट्रिक चों? कहती मैं क्या बेटा मैं मैरिट लिस्ट च आई सी ते तेरे नाना जी ने मतलब लड्डू बंडे सी पिंड च। अच्छा किन्ने परसेंट आए सी? कहती बेटा मैनू आए सी 62%। कहती दादी मां तुसीं इन्ने नलायक सी 62? बस मतलब अज 80-90% नंबर ही नहीं समझा जा रहा। आपां परसेंटेज चो कढ के उन्हां नूं कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए कि कुछ करना है। जरूरी नहीं सारे ने नंबर लेने ने, जरूरी नहीं सारे ने फस्ट आना है। और फस्ट आने वाले जिन्ने भी बच्चे ने मैं बधाई दिना उन्हां नूं, हजे होर भी रिजल्ट आउणगे, पर नाल सलाह भी दिना कि पहले नंबर पर आके हंकार नहीं करना, क्योंकि पहले नंबर पर आने वाले सब तो वड्डा योगदान सैकंड ते थर्ड वाले का होंदा। जे ओह ना होंदे कंपीटीशन ही नहीं होना सी फिर। सो बच्चों का हौसला बढ़ाना है। तुसीं आइडियाज़ दिओ सानू कि आपां स्कूल च की कर सकते हैं। कल्ले बेंच जां आरओ वाला पानी बाथरूम ठीक करन नूं स्कूल नहीं मनदे असीं, उह तां बहुत छोटियां चीज़ां ने।
ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਕਲਾਸਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ, ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੀਟੀਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪੀਟੀਐਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੀਟੀਐਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪੀਟੀਐਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਏ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਏ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ 70-70, 80-80, 100-100 ਦੇ ਬੈਚਸ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਲੱਸ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੇਵਰਡ, ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਬੜੀ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੋਂ? ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫੋਰ ਦਿਸ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 80 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਫੁੱਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਛਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ DC ਲੱਗਣਗੇ, ਜੱਜ ਬਣਨਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਟੀਚਰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਾਲ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਾ? ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਾਣੂ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਫਲਾਨੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਬੈਸਟ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 40,000 ਕਮਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਤਾ 40,000 ਕਮਰਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕਮਰੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ 4,000 5,000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੈ NRI ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਡੱਬੇ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਮਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੈਂਸਰ 'ਤੇ ਆਇਓਡੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਹੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ MTech ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ BTech ਕਰਕੇ MSc ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ILETS ਕਰਕੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜੋਬ ਸੀਕਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸੀ ਜੋ IIT 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਹਿਸਾਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 450 ਬੱਚੇ NEET ਅਤੇ IIT 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 450 ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 747 787 450 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਣ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੁੱਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਨਵੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੋ
क्योंकि आम तौर पर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों च पढ़ाई नहीं, ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। ड्रॉप आउट का भी यही है कि जिहदे कोल थोड़े जे पैसे आ गए कहिंदा चल मेरी जिंदगी तां जिवें ना किवें लंघ गई, चल जवाक नूं तां किते वधिया स्कूल च पढ़ा लईए। इह आपां रिवर्स कर देना कि उह कहे कि मैं भी वधिया जिंदगी जिऊंगा बच्चे नूं सरकारी स्कूल च ला के अफसर बना लईए। जिस दिन बच्चे अफसर बन लग गए उस दिन आपदे घरां दीआं गरीबियां चक देणगे, ते गरीबियां चक्कियां गईआं तां सोच बदल जूगी। ते आम तौर पर जिहड़े साडे इस तों पहलां साडे हुकमरान रहे ने उह जाण बुझ के अनपढ़ता वल लै के जांदे सी तां कि हाथी बन्ने रहिण इहनां दे। लेकिन दे नौवीं तक अठवीं तक कोई फेल ही नहीं करना। बच्चे का पता ही नहीं लगता कि किहड़े सबजैक्ट चों वीक है, किहड़े सबजैक्ट जे कोई वीक है उहनूं थोड़ा जिहा वध पढ़ा सकदे आ घंटा। अठवीं तक फेल नहीं करना, नौवीं चों 80-90% फेल हो जाते हैं। कहिंदे आ जाओ आटा दाल स्कीम च आ गए हुण तुसीं, बस आ सोच है बस। मैनूं इक, क्योंकि असीं ग्राउंड ते बहुत जाने, एक गरीब बंदा मैनूं मिलिया बेचारा, मैनूं कहिंदा वी साडी तां अगली पीढ़ी वी गई। मैं की हो गया, कहिंदा बच्चे सरकारी स्कूल च पढ़दे ने। मैं कहिंदा की गल, इत्थे टीचर घट ने जां ना? टीचर तां है कि नहीं? कहिंदा ते फिर होर फिर की क्यों गई थोड़ी अगली पीढ़ी? कहिंदा वी ऐं कहा होया स्कूल तों वी कापियां किताबां भावें घरें भुलिया करो, कौली ते चमचा नहीं भुल के आना सानू, फिर उपरों अफसरां वल्लों फिर हदायतां होईआं ही। लै दस्सो तुसीं की करो? अद्धा दिन तां दलिया बनाउण ते लंघ जांदा, मिड डे मील ते लंघ जांदा, की करिए? कदों पढ़ाईए फिर? तुहानू माहौल मिलेगा, तुहानू माहौल देवांगे, तुहानू वधिया लगेगा कि हाँ साडा कोई संस्था हैगी है। तो लोग आया करनगे फोटो खिचाउण कि आ स्कूल है यार, हैगे ने कुछ परसेंट स्कूल इस तरह के हैगे ने जिहड़े देखण नूं बहुत वधिया लगते हैं, तो टीचर भी अच्छे ने। टीचर तो खैर मैनूं कोई डाउट ही नहीं इस गल ते। सो मैं तुहानूं बेनती करदा जो भी तुहाडा आइडिया है कि जी सबजैक्ट मैथ नूं आपां इदां कर दईए, आपां एनवी क्लास तो मैथ शुरू कर लीए, जिहड़े मैथ च इंटैलीजेंट ने उन्हां नूं फिर आपां आ माहौल दे दईए कि उधर ही जाणगे उह। हुण अपने पढ़ाई जाने बस उहदा आम जिंदगी च कदे तुसीं दस दो, मैथ मैथ दे बैठे होणगे, मेरे डैडी मैथ टीचर सी, तुसीं टैन थीटा जां कॉस थीटा जां फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी दा फार्मूला ला के कदे बाजार चों सब्जी खरीदी है? पढ़ाई जांदे ने कम, कोई लाइफ च प्रैक्टिकल च कोई कम नहीं आ रहा। वो एक हैगा कि पोस्टमैना दियां पोस्टां निकलियां, डाकिए रखने सी, ते आया एक कैंडिडेट, वो कहिंदे बाकी सारा तेरा ठीक है, क्वालिफिकेशन ठीक है, इंटरव्यू का होनी है। कहिंदे हाँ जी। कहिंदे धरती तो चंद तक की किन्नी दूरी है? वो कहिंदा जी जे इस रूट ते चिट्ठियां वंडनियां फिर मेरे वल्लों जवाब है जी। रखने डाकिए ने पुछी जाने हो चंद की दूरी, तुसी कोई उन्हूं होर पुछ लो भी किहड़े पिंड तो किहड़ा पिंड किन्नी दूर है। सो सानू तां असी सबजैक्ट जिहड़े ने वो इस मुताबक बनावांगे कि वह जिंदगी च उन्हां दे काम आउण, जिंदगी च काम आउण। और जिहड़ा बच्चा जिहड़े सबजैक्ट वल जाना चाहुंदा है उहनूं पहलां तो ही लैके जाइए उधर नूं। अमेरिका कनेडा दे मैं सिस्टम समझा होया, उत्थे किसी भी सवाल का जवाब गलत नहीं हैगा। तुहाडा ओपीनियन, बच्चे नूं कहो फास्ट फूड सेहत लई चंगा है जां माड़ा है, जे बच्चे ने लिखता चंगा है तो एक्सप्लेन करूगा किवें चंगा है, उहनूं भी नंबर मिलणगे। जिन्हें माड़ा कहता वो एक्सप्लेन करूँ किवें माड़ा है, उन्होंने भी नंबर मिलने। साढ़े इतने एम बी डी गाइडा, जो एम बी डी लिखा जे तो उ अखर लिखते ठीक है, जे बद घट लिखता ना भी तो गलत है। की पता है भाई मैं एम बी डी वाले तो ज्यादा शहर होव, मेरा कोई होर आइडिया हो,
मैथ का मेरे कोई होर फार्मूला हो नहीं करना आप बच्चों तो ओपीनियन पूछना है कि तेरा की तू तैं कि फार्मूला लाया है इनू हल करने वास्ते जवाब सही है फार्मूला वह नहीं लाया जोड़ा किताब च है फिर जवाब गलत है उन्होंने पूछो भी तैं कि लाया फार्मूला बल्कि उन्होंने एप्रीशिएट करो यार कमाल का नवा फार्मूला बनाता तू सो ये चीज़ा आप कर आप किता मुखी सबजैक्ट ताकि स्कूलों चो कॉलेजों चो बेरोजगार ना निकल वो डिग्रियां लैके टैंकियां ते ना चढ़ना पवे वो कोई ना कोई काम शुरू कर स्टार्टअप देवांगे इंडस्ट्री लैके आ रहे हैं सारी इत्थे वापस वो इंजीनियर बन गए बड़े 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 बड़िया फै टाटा स्टील टाटा एनर्जी साढ़े को बहुत बड़े बड़िया कंपनियों नाल गल चल रही है फैक्ट्रियां वापस आउणगियां तुहाडे पढ़ाए हुए बच्चे उन्होंने कोई आउटसोर्सिंग करेगा कोई फैक्ट्री के बड़े बड़े अहद्या होगा तो थोड़ा बहुत खुशी होगी मैं थोड़ा सारे बहुत बहुत बधाई दिना इस गल कि तुम इन्नी भारी गिणती अज इतने आए हो तो बस आइडियाज जोड़े ने पोर्टल शुरू करना है जो मैं क्लिक कर दिना स्क्रीन पर आ जाऊगा जिते तुम आइडिया शेयर कर सकते हो जिते तुम आओ जी हाँ ला दो क्लिक कर दी करो क्लिक आ गया ये जेड़ा पोर्टल है तुसी ऑनलाइन अपने सजेशन जेड़े ने यही यहो जी स्क्रीना तुहाडे सरकारी स्कूलों भी लगनगियां ऑनलाइन तुसी भी पढ़ाओगे तुसी भी बच्चों लैपटॉप भी देवांगे बच्चों टैबलेट्स देवांगे ते ताकि आपां नूं ये पता लग सके कि दुनिया दे विच जिहड़ा लेटेस्ट टैक्नोलॉजी जिहड़ी है वो कित्थे जा रही है साडे बच्चों कोल भी होवे हो ते मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदा सिक्ख्या मंत्री साहब का और सैकटरी साहब का सारे मेरे विधानसभा के साथियों का और तुहाडा खास तौर पर कि तुसी बहुत ही छोटे सदे ते आए हो ते मैं तुहानू बहुत बहुत शुभकामनावां भी दिना कि हजे काफ़ी टाइम पिया है हजे कुछ पंजाब बहुत बारी डिग्या है पर पंजाब बहुत बारी उठ्या भी है तो पंजाब नू आपां पढ़दा पंजाब बनाउणा आपां ते बाकी सब कुछ क्योंकि जे मैं स्कूलां च लिखिया होया कंधां ते पढ़िया है कि जे तुसी छोटियां वास्ते स्कूल बना दोगे तो वड्डियां वास्ते जेड़ां बनाउण दी लोड़ नहीं पैनी क्योंकि एजुकेशन जिहड़ी है वह किसी ना किसी काम ते लाऊगी मैं तुहानू सारयां नू बहुत बहुत बधाई दिना किसी की शान के खिलाफ कोई लफज बोलिया गया होवे उसके लिए माफ़ी चाहना बहुत बहुत मेहरबानी सत श्री अकाल सर बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े मुख्यमंत्री साहब जी ने अपने मोटीवेशन स्पीक के नाल अध्यापक